भारत माता की जय। मंच पर आसीन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारे मार्गदर्शक उपस्थित कार्यकर्ता बंधु मातृशक्ति, वैसे कई बार आप लोगों के साथ बैठे हैं लेकिन आज विशेष एक उसे बैठना हुआ है और स्पेशल इसीलिए मैं आज आ रहा है कि आपसे कुछ वार्ता कर सकूं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सब लोग इसी स्कूल ऑफ थॉट से जुड़े हुए हैं, मात्र राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है। संघ स्कूल ऑफ थॉट संघ विचारधारा से प्रेरित होकर हम राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं और ये विचारधारा जिसका परचम आज हिंदुस्तान में तो फहरा ही रहा है लेकिन विश्व में भी फहरा रहा है। और कल्पना कीजिए उस समय की जब हम काम करते थे विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक के रूप में, जब मैंने स्वयं काम किया था तो मात्र 2 MP और 12 MLA थे उत्तर प्रदेश में, 2 MP पूरे देश में, 12 MLA उत्तर प्रदेश। हम मंत्री बनेंगे तो छोड़ दीजिए इसकी कल्पना करना, सत्ता में भाजपा आएगी इसके छोड़ दीजिए कल्पना करना, कोई आगरा से भी MLA बन जाएगा ये भी कल्पना करना। लेकिन जो काम कर रहे थे कई राजनीति करनी थी तो यूथ कांग्रेस की कर सकते थे, राजनीति करनी थी किसी और सत्ताधारी दल से जुड़ सकते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं थी जनसंघ था या RSS से जुड़े हुए वैचारिक संगठन विद्यार्थी परिषद है, इसमें रहने राजनीति तो शुरुआत, क्योंकि एक विचारधारा देश की जो मूल चिति से जुड़ी हुई है उसको स्थापित होना चाहिए था राजनीति के क्षेत्र में भी, क्योंकि उस समय की राजनीति ने जितना इस देश के नुकसान किया उस चिति का नुकसान किया वो महसूस कर रहे थे हमारे सब वरिष्ठ लोग, जो संघ का बड़ा नेतृत्व था हमारा दूरदर्शी नेतृत्व, और जिसने कहा था ये कि जब हम लोग जुड़ेंगे मिलेंगे तो एक दिन हिंदुस्तान के अंदर हिंदुत्व का परचम लहराएगा। आज वो दिन आ चुका है और हम सब उसी की देन हैं, उस विचारधारा की देन हैं, उस परचम की देन हैं, तो इसका एहसास आप सबको हमेशा होता रहे। मूल धारा हमारी कौन सी है इसकी जानकारी नए लोगों को मिलती रहे, क्योंकि एक सतत प्रवाह है राजनीति को, कुछ काल वहां काल का जुड़ते जाते हैं और नए जुड़ते जाते हैं, तो नए लोग भी कैसे इस बात को जाने कि हम एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं और विचारधारा संघ जो दी है देश को उस विचारधारा से, तो वही एक कार्यक्रम कर रहे हैं, एक महिलाओं का बड़ा कार्यक्रम जिसमें आगरा दक्षिण का बड़ा भाग शामिल है, पश्चिम नगर कहलाता है संघ दृष्टि से, जिसमें कुछ उत्तर का भाग है कुछ आगरा दक्षिण का भाग है, लेकिन आगरा दक्षिण ने आप लोग इसलिए बुलाया कि हमेशा रिकॉर्ड कायम किया जाए संख्या की दृष्टि से। जब पूरे आगरा से पढ़े मोदी जी की रैली में 200 बसें गई थी, 210 और 107 आगरा दक्षिण की, आप लोग विपरीत परिस्थितियों में चुनाव कैसे जीता जाता है, आगरा दक्षिण भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से सबसे खतरनाक सीट मानी जाती है, लेकिन उसको कैसे जीता जाता है आप लोग जानते हैं, कितनी मेहनत की है आप लोगों ने गली गली कुछ कुछ क्षेत्र में जाकर, तो अब ये सम्मेलन भी उतना ही अच्छा बने हमारी दृष्टि से, संख्या की दृष्टि से आगरा दक्षिण थी, इसकी जिम्मेदारी थी आप सबकी, लेकिन मैं आप सबसे मिलने इसलिए आया कि आपको बता सकूं कि आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। मुझे कल सुबह अहमदाबाद जाना है, यहां से रात को लखनऊ पहुंचूंगा, कल रात झांसी था
झांसी से लखनऊ जा सकता था, लेकिन मैं इसलिए कि आप लोगों से दो चार बात कर लूं और इस विषय पर मैं कुछ बिंदु देना चाहूंगा संख्या कैसे बढ़ेगी। ध्यान करिए आप लोग, जो मैंने कहा था कि आगरा दक्षिण से 100 बसें ले जानी है, तो आप ही सब लोग कह रहे थे कैसी बात करो, कहा संजय जी का है, संजय जा रहे हैं यहाँ पे तो बैठोगे, ये मंडल अध्यक्ष थे उससे माला मंडल के, तो जो कह रहे थे कि पूरे हमारे मंडल से कभी दो बस ले जाने के लिए आप कह रहे हो 20 बस ले जाओ, मैंने कहा जाएंगे कैसे जाएंगे हम बताएंगे। तो आप लोगों जब उसके टिप्स दिए गए तो आप ही लोग लेके गए, तो अब मैं जरा थोड़ी सी जानकारी करना चाहूंगा जैसे कि कैसे जाएंगे यात्रा, कितनी महिलाएं हैं यहाँ मौजूद जो टिकट मांग रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निशा जी आप नहीं मांग रही है तो बता दो तो अगर ये महिलाएं नेता है इलाके की, जमीन से मांग रही है आप लोग, आप मेरे को नेता समझती होगी कि मैं इलाके की नेता हूँ, लोग मेरे पीछे हैं, मेरे को वोट देंगे, मेरे सपोर्ट करेंगे, तो कम से कम आप सब लोग 25-25 महिलाएं ला सकती है, तब तो आप नेता है ना भाई, जो 25 की लिस्ट ला के दे देगा यहाँ पर हमारे अधिकारियों को, तो हम उनको नेता मान लेंगे, अब जब नेता मान लेंगे तो कुछ सोचेंगे, लेकिन ये काम इसलिए नहीं कि आप सुबह नहीं, ये काम है हमें अपनी विचारधारा को तत्व छोर तक पहुंचा रहा है, जहां से जब बौद्धिक मिलेगा वहां से जो विचारधारा के तत्व तो ज्ञान मिलेगा वो नीचे तक चर्चा तक पहुंचा, इसलिए ये है। तो 25 625 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
भोजवाली जी आप ये करेंगे चेकिंग पहला सबकी बैठक लीजिए अलग और इस्लाम में जुड़वाइए सबको ठीक है। अब कौन पुरुष थे जो पार्षद की टिकट मांगते हैं? कुछ महिलाएं संकोच से हाथ बोला टिकट तो बहुत सी मांग रही है जैसे आपने भी संकोच से उठाया वैसे हमारे पास जो आए हैं बायोडेटा तो उन बायोडेटा से मैंने सियाराम जी को कह दिया और प्रताप जी को कह दिया सबको संपर्क कर रहे हैं फोन से बोलो इसलिए लगभग 72 टोटल टोटल 160 के लगभग 72 पुरुष थे है ना तो 70 मान लेते दो कम कर ले 70 लोग ये है इनको भी अगर 25-25 महिलाएं लेकर आए 25-7 भाई साहब की गणित ज्यादा अच्छी है उससे आ रही है तो ये हो गए ईमानदार कोशिश होनी चाहिए। हम जब संगठन का काम कर रहे हैं संगठन ने अगर इतना कुछ किया है कि आज हमारी पहचान है किसी की मोहल्ले में हो किसी की क्षेत्र में हो किसी की विधानसभा क्षेत्र में किसी प्रदेश में है तो उसके लिए हमको कुछ करना भी चाहिए और विचारधारा को हम जितना नीचे तक पहुंचाएंगे उतने ही अपने आप को मजबूत करने वाली जब हमारी विचारधारा अंतिम छोर तक पहुंचेगी तो अपने आप को मजबूत कर रहे तो ये हुए। अब वर्तमान में पार्षद कौन कौन है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टोटल तो 12 है ना आपने
15 है, नॉमिनेटेड अलग अलग तीन है, दो है, तो अब ये चूंकि स्थापित नेता है इन्हें तो डबल दे भाई जी, ने 50 होनी चाहिए, 50 हां कोई नहीं 50 सही। गुड्डू बहन कैसा बचा देखो आधे में जो कर रहा है, इन्हें 50 होनी चाहिए। अब जो मैं कह रहा हूं ये सब मजाक का मत लेना, पर ये प्रयास कर रहे आप ये समझो और एक ऐतिहासिक सम्मेलन हो, इस सम्मेलन की धमक नागपुर तक पहुंचनी चाहिए। आगरा दक्षिण के लोगों ने तब हम जानेंगे कि आगरा दक्षिण का कुछ मामला है बनता है, जहां हम उत्तर प्रदेश के विधायकों बैठ के कहते हैं कि आगरा दक्षिण के कार्यकर्ता ऐसे हैं, आगरा के दक्षिण के कार्यकर्ता ऐसे हैं, स्पेशल मशीन से तैयार किए हैं, स्पेशल मशीन से नहीं, सिर्फ उनको विचारधारा दिए, विचारधारा से तैयार होते हैं, अपना कार्यकर्ता नहीं तैयार करता हूँ। मैंने उनसे वैसी बजाय कहा आपकी तरह संगठन का कार्यकर्ता तैयार करता हूँ, इसलिए वो क्षेत्र मजबूत होता है। वर्तमान पार्षद को छोड़ो नहीं, कम पत्रे तो है, और पार्षदों के मॉनिटरिंग संजय जी कहाँ है, संजय जी, संजय जी आप थोड़ा समय दे पाएंगे इस समय, आप कहिए जितने मौजूदा पार्षद हैं आप और भूपेश जी मिल लीजिएगा, इनसे मॉनिटरिंग करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, चलते चलते रहेंगे, क्योंकि देखिए हमको बाकी इंतजाम भी करते हैं, तो जब जुट जाएंगे तो एक टेंटेटिव संख्या आ जाएगी, तो उसके फिर इंतजाम करते हैं, वो भी देखना है। तो एक ये अब पदाधिकारी है मंडल पहला मोर्चा, सभी विधायक वो है, अध्यक्ष है पांचों, यहाँ पर कितने हैं भैया, एक आपको भी दिशा जी, दो तीन चार, मंडल अध्यक्ष नहीं है, आप मंडल अध्यक्ष हो, जो मंडल अध्यक्ष है तो मंडल के अध्यक्ष महामंत्री कौन कौन है, एक जो लोग नहीं आए हैं भाई सियाराम, सियाराम का है, राजीव जी आप इधर आओ, सियाराम का जी जी, आपके जो पदाधिकारी लोग हैं, हर पदाधिकारी अगर अपने साथ चार चार अंकों मिला के पांच लाया तो एक अच्छी संख्या आपके मोर्चे से होते हैं, कितने पदाधिकारी होते हैं कि कौन बताएगा, आप अध्यक्ष है ना, कितने पदाधिकारी आप सबको मोटिवेट करिए, इसका मतलब आप अपने मोर्चे को नहीं देखते हो, जिससे बार दस बार होंगे ऐसे नहीं होता है, पदाधिकारी जो है उतने हैं जो संगठन के विधान में उतने बनाए होंगे, मंजू जी क्या है, महानगर की कौन है, महानगर पहला मोर्चा कौन, पहला मोर्चा किसके लिए कहा था, भोजवाली जी के लिए, तो थोड़ा आप इनको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना, महिला मोर्चा के पदाधिकारियों को भी मोटिवेट कर लीजिएगा, इस मीटिंग बुला लीजिए, मैं तो एक बार सबसे मिलना भी हो गया और सबको बता भी जा रहा हूँ, लेकिन इस पे अब मोटिवेट आपको करना, मैं लखनऊ से आपसे हंटिंग करता रहूंगा, ठीक है ना प्रताप जी, संजय जी, भूपेश जी, ठीक है, युवा मोर्चा, एक दो तीन चार पाँच, लेकिन यहाँ तो भूपेश्वर मंडल वगैरह युवा मोर्चा वाले भी होंगे ना, दक्षिण के कितने युवा मोर्चा के लोग, अपने अपने मोर्चों के
सभी पदाधिकारियों ने बताई, सबको लगे कि हमारा मूल बिंदु जहां पर आवाज आई है तो हम सबको जुटना है। ये ना हो कि साहब उसका काम है युवा मोर्चे का काम है, अब क्या करेंगे, महिला मोर्चे का काम है हम लोग मदद करें, महिलाओं का काम है संघ वाले सब देख लेंगे, संघ वाले कौन है, और आज उन्होंने हमको यहाँ भेज दिया तो क्या काम कर रहे हैं। मैं पहले संघ का स्वयंसेवक था, फिर मंडल को शिक्षक बना, फिर मंडल कार्यवाह बना, फिर मंडल बौद्धिक प्रमुख बना और कहा कि तुम विद्यार्थी परिषद में जाओ, बौद्धिक प्रमुख बना के कहा विद्यार्थी परिषद में जाओ, क्योंकि उन्होंने नेता के लिए ज्यादा सोच की है, तो मुझे वहां भेज दिया गया। वहां से जा गए और फिर सब लोग वही थे ना, या तो वहां से आए हैं या वहां जाना है, इसलिए जो नहीं है वो वहां तक पहुंचे। ये एक सेतु बनना है हमको, और आप सब लोग जो यहाँ बैठे हैं सब संकल्प ले रहे हैं कि हम सबको जुड़ना है। जितने मोर्चे श्री कुमार जी आपका तो जब हम पहला चुनाव लड़े थे तो आप महिलाओं का काफी काम देखते थे ना, कन्वेंशन वाला मालूम है, अभी भी देखा था, अभी भी नहीं देखा था। तो श्री कुमार जी की मदद लेना आप सब दरअसल इनको सब जगह के मालूम है। जो हमने इमदाद पार्टी थी उस समय कोरोना काल में, मेरे ख्याल प्रदेश में किसी विधायक ने इतनी इमदाद नहीं बांटी होगी जो आपके क्षेत्र में बटी है, और वहां पर महिलाओं को ज्यादा लाभ मिला था उससे, कई महिलाओं को उससे देखा गया था अच्छी कार्यकर्ता थी, पकड़ हुई थी उनकी, इनको बराबर कार्यकर्ता, एक पूरा माहौल थी आप आपके क्षेत्र में शिवाजी मंदिर में, वीरेंद्र श्रीवास्तव जी है ना, कालीचरण माहौर वाली गली में उसमें रहती है, चुनाव में भी उन्होंने काम किया थे, लेकिन उनको पकड़ी उसमें बहुत महिला है, वो इमदाद लेने आती थी महिलाओं के साथ, ऐसी कई है। सियाराम के पास लिस्ट है, सियाराम जी हाँ है मेरे पास, मंडल अध्यक्षों को जो महिला मोर्चे की है, जो कोरोना काल के लोग थे जो जुड़े थे हमसे, उन लोगों को इनसे जोड़ दीजिए। इसमें लानी है ये और समझ लीजिए, क्वालिटी लानी है, क्वांटिटी तो चाहिए ही, लेकिन क्वालिटी वाली क्वांटिटी चाहिए, क्वांटिटी जो बोलते हैं कि हमसे 25 चाहिए तो जाओ ऐसे ले आओ, चाहे भेड़ बकरियों की तरह, जो उस विचार को समझ सके, थोड़ी पढ़ी लिखी हो या समझ हो, कहीं पढ़े लिखे नहीं होते, और ये जी बकरे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, बस समझ होते थे तो ऐसे होते हैं, तुलसीदास जी कौन सा पढ़े थे, सूरदास जी कौन सा पढ़े थे, लेकिन आज उनकी रिसर्च हो रही है। तो समझदार महिलाओं को लाना है, ये भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, संख्या बढ़ानी है, बात सही है, अधिक से अधिक महिलाओं पर हमारी विचारधारा पहुंचे, हमारे कार्यक्रम पहुंचे, हमारी योजनाएं पहुंचे, बात सही है, लेकिन जो बिल्कुल ही ना समझे बस भीड़ की तरह आगे और भीड़ से चले गए, ऐसे लोग नहीं चाहिए, इसलिए क्वालिटी मेंटेन रखिएगा। तो मुझे तो सब इतनी सी बात करनी थी, बाकी मैं मॉनिटरिंग करता रहूंगा लखनऊ से, और पहले तो इनसे जो अपने यहाँ पे मॉनिटर बनाए, बाकी मैं सीधे भी बात करता रहूंगा हर मोर्चे के प्रमुखों से, पार्षदों से, और दो दो प्रमुख लोग लगाए गए जो वहाँ के वार्ड के प्रमुख होंगे ना, तो उनको लगा के ये लोग वहाँ पे, तो आप सब लोगों से इतनी बात करनी थी मुझे, तो बाकी भाई सब कहेंगे पूरा विषय, मैं आप लोगों के बीच इसलिए आया था कि आप लोगों को मिल भी सकूं और इस काम के लिए इसका महत्व बता सकूं कि हमको जो बेदारी क्या है, उससे कहां से हम जुड़े हैं आप सब जानते हैं, उसका एहसास भी होना चाहिए, और वहां उस विचारधारा को कैसे ज्यादा से ज्यादा विस्तार दे सके उसमें हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके साथ आया था।